नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले की तहसील चौराई के अंतर्गत आने वाले ग्राम आमगांव में ग्राम पटेल गजमोहन सिंह रघुवंशी और समस्त ग्रामवासियों द्वारा भुजालिया महोत्सव बहुत ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। इस महोत्सव में काफी भीड़ और जनसमूह देखने को मिला, जिसमें कुछ ग्रामीण लोगों ने सैला नृत्य कर अपनी कला का प्रदर्शन किया और मातृशक्ति महिलाओं द्वारा भुजालिया को लेकर परिक्रमा किया गया। साथ ही भुजालिया को सिर पर लेकर उसे नदी में विसर्जित कर भुजालिया महापर्व का समापन किया गया। सभ्यता है, दिनों दिन इसको लोग भूलते जा रहे हैं। यदि इसी तरीके से ये मनाई जाएगी तो लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। और ये हिंदू महोत्सव है, बहुत पुराना चला आ रहा है हमारे यहाँ। जो आला उदल जो कहे जाते हैं, जिनको हम मानते हैं, जो शारदा देवी मंदिर है उनके भक्त, वही समय से भुजालिया उत्सव पर्व मनाया जा रहा है। गाँव में जो है आपसी भाईचारा बना रहे। गांव की बात नहीं कर रहा मैं, फास्ट समाचार के माध्यम से पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो महोत्सव है, ये भाईचारा का महोत्सव बना रहना चाहिए। इसमें जो है गाँव की जो पुरानी अपनी बुराई भलाई को भूलकर सब इकट्ठे होकर ये महोत्सव मनाए तो इसका आनंद ही कुछ और होता है, क्योंकि ये चार का कार्यक्रम है। इसमें सभी लोग एकत्रित होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। गांव वाले अपने बुराई होते हैं, उत्सव मनाने के लिए सब इकट्ठे हो गए। पटेल जिसके नाम पे मुकदमे घोषित होती है, उनका बैठ कर उत्सव मनाया जाता है। चेला नाचते हैं, संगीत होते हैं, आला होता है, लोग परंपरा एक व्यवहार से लेकर चलते हैं। अभी ग्राम आमगांव में खड़ा हूँ। यहाँ हर वर्ष जो है भुजालिया का महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसी अनुसार इस वर्ष भी जो है भुजालिया का पर्व बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मैंने कुछ ग्रामीण से यहाँ पे बात भी की तो उनका यही कहना है कि इस भुजालिया का कार्यक्रम करने का उद्देश्य आपसी भाईचारा, सद्भावना और वातावरण में सुधार। तो ये इस प्रकार के जो महोत्सव हैं हर गांव में प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। मैं ललित रघुवंशी, फास्ट समाचार, जिला छिंदवाड़ा।